हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे घर्षण बल की तथा बलागुण की। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश वाले टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बायलैंग्वल पूरा वीडियो रहेगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। घर्षण बल का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स, और बल आगुण का मतलब होता है टॉर्क, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स और टॉर्क की बात करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं सबकी बात हम एक एक करके करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, और उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल क्या होता है। तो देखिए, जब भी क्या होता है, एक सरफेस, ये वाली आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है और ये एक अनदर एक सरफेस है। तो ये बॉक्स क्या है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब मेरी बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, और यही इसकी परिभाषा सर्वमान्य है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक सरफेस है और यहाँ पे एक बॉक्स एक सरफेस है, तो दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण ये क्या बना, जितना एरिया कॉन्टेक्ट में है उसी को हम बोलेंगे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण यानी कि जो एक दूसरे के संपर्क में क्षेत्रफल है, उस संपर्क में आए क्षेत्रफल के कारण वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर मोशन कर रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट इधर की साइड मोशन कर रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम घर्षण बल बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है तो उस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जितना एरिया कॉन्टेक्ट में है उस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगता है। ये आपको बहुत बात ध्यान रखनी है कि हमेशा क्या रहेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अल्टीमेटली ये फोर्स जो लगेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब ये आपको बस ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं और इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से एक चीज़ और निकाल के मैं बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स को इधर की डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस फोर्स का अपोज करेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा हमेशा फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी, आपका अप्लाइड जो फोर्स रहेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब अगर आपने इधर से फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इधर को मूव करेगा, और अगर ये मूव इधर कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर की साइड लगेगा। तो आप देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा अगर ऑब्जेक्ट को इधर धकेला जा रहा है। अगर मैं क्या करता, इसी ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरा और ये सरफेस है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर की साइड खींचता यानी कि फोर्स लगाता, तो इस फोर्स की, मतलब फोर्स इधर लगाता तो ऑब्जेक्ट इधर की साइड मूव करता, और अगर की साइड है तो फ्रिक्शन फोर्स तब कंडीशन में क्या करता, फ्रिक्शन फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगता, ठीक है। मतलब जिधर भी मोशन होगा उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये घर्षण बल होता है। अब क्यों होता है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण होता है, मैंने बता दिया। और घर्षण बल हमेशा क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि फ्रिक्शन के कारण होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मनुष्य होता है, जो आदमी होता है, वो सीधा खड़ा रह पाता है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो इंसान सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सड़क पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा पहियों, गाड़ी के पहियों और सड़क के बीच में, तो ये जो टायर है गाड़ी का वो फिसलने लगेगा। आपने देखा होगा बारिश में, या नॉर्मली आप जब रेनी सीजन में जाते हैं बाहर, तो आपकी बाइक स्किड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कार के स्किड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सरफेस गीली होने के कारण।
दूसरी बात यह है कि जब आपका टायर जो होता है बाइक का वो खराब हो जाता है, पूरी तरीके से चिकना हो जाता है, उसकी ग्रिप खत्म हो जाती है, तब भी आपकी बाइक स्किड करने लगती है। उसके कारण भी, उसके पीछे भी यही कारण है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जो टायर आप देखते हैं बाइक के या चप्पलों में जो ग्रिप बनाई जाती है, वो बाइक के टायर में जो ग्रिप या खांचे टाइप बनाए जाते हैं, वो फ्रिक्शन को इनक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उसकी रोड के साथ पकड़ अच्छे से बनी रहे। ठीक है, अब देखते हैं, यदि ये जैसे बेल्ट और पुली रहता है, ये बेल्ट और पुली, बेल्ट और पुली के बीच ऊपर ऐसे फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा बेल्ट और पुली के बीच में, तो ये जो बेल्ट है को रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, या फिर ये पुली इस बेल्ट को रिवॉल्व नहीं कर पाएगी, ये बेल्ट इस पुली के ऊपर क्या करेगा, फिसलने लगेगा। तो जितनी भी ड्राइव्स है जहाँ पे बेल्ट और पुली का यूज़ करके हम ड्राइव्स को मूव कराते हैं, वो नहीं चल पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिया है कि फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, जैसे कि केले के छिलके के पे पैर रखने से अपन फिसल जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन वो कम कर देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रिक्शन के टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तीन टाइप का होता है, स्थैतिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लोटनिक को रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीन टाइप का फ्रिक्शन होता है, फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज स्लाइडिंग और थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। आपको ये समझना है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। लेट सपोज कि यहाँ पे आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसको समझिए डायग्राम से कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स मैंने लगा दिया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन में नहीं आया, ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो मूव नहीं कर पा रहा है उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट की सरफेस और जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है उसके बीच के बीच में जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल में देता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं बहुत बड़ा सा बॉक्स रख दूँ, ये बहुत बड़ा सा बॉक्स है, बिग बॉक्स कहते हैं इसको हम, और ये बहुत बड़ा सा बॉक्स एक बहुत छोटा सा बच्चा है, ये सपोज कर लो ये एक छोटा सा बच्चा है, ऐसे करके एक छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा ठीक से नहीं बना उससे, तो ये बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये बच्चा बॉक्स को पुश कर पाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं। ये बॉक्स को हिला पाएगा क्या, नहीं हिला पाएगा, लेकिन ये बच्चा फोर्स तो लगा रहा है ना इस पे, तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, मतलब इसकी पोजिशन स्टेशनरी है। तब उस केस में जो ये बॉक्स है और ये सर्फ के बीच में जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, उसी को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे होगा, स्थैतिक घर्षण कहेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं सर्पी घर्षण की यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। अब लेट सपोज कि ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया, इसने बहुत सारा दूध पी लिया और इसमें ताकत आ गई, तो अब ये क्या करेगा, इस बच्चे को मैं बड़ा बना देता हूँ। तो ये बच्चा है और ये ऐसे करके ऐसे बड़ा हो गया, ये भीमकाय हो गया बिल्कुल, और अब ये फोर्स इस बिग बॉक्स को हटाने के लिए संभव है, मतलब ये कैपेबल है। उसने जैसे इस पे फोर्स लगाया तो ये जो बॉक्स है बड़ा सा, इसने इधर की साइड मोशन करना शुरू कर दिया। तो अगर ये बॉक्स इधर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण लगेगा और वो मोशन का अपोज करेगा और वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और इसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर ये बॉक्स यहाँ पे स्लाइड होने लगे, ये क्या हो जाए, इस सरफेस पे स्लाइड होने लगे, तब हम इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है, है ना, इसको हिंदी में गतिक घर्षण भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक गतिक घर्षण का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब जरा अगली बात को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, और याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब लोटनिक घर्षण की बात करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो अगर किसी चीज़ को किसी सरफेस के ऊपर ऐसे लुढ़काया जाए, जैसे कि अगर एक टायर की बात करूँ और ये टायर जो हो रहा है ये सरफेस पर ऐसे रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट छोटा सा होगा, कम ही
कॉन्टेक्ट होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम तो फ्रिक्शन भी कम। तो दो तीन चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप रोलिंग फ्रिक्शन समझ लीजिए। तो अल्टीमेटली अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इसके ऊपर लुढ़क रही है। तो देखिए ये वाला जो एग्जांपल है, सिलेंडर को अगर मैं ऐसे लुढ़काऊँ इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आप देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर आपने देखा रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम वैल्यू जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन की होती है। मतलब कि लोटनिक घर्षण बल की वैल्यू सबसे कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट को देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, ये चीज़ यहाँ पे छूट रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक, ठीक है। तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण गुणांक जो होता है, इसको म्यू से बताया जाता है। अब एक्चुअल में म्यू क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो म्यू जो होता है ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो होता है। तो ये आपको सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स को तो आप बोलेंगे घर्षण हिंदी में, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, आप सिर्फ प्रतिक्रिया बल बोल सकते हैं। तो घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का जो अनुपात होता है उसी को घर्षण गुणांक कहा जाता है, और इसे म्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो घर्षण गुणांक होता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब ये घर्षण गुणांक को हमने देखा, तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, म्यू फ्रिक्शन फोर्स को आप स्मॉल एफ से बता सकते हैं, और अभिलंब प्रतिक्रिया जो बल होता है इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू इक्वल टू एफ बाय आर आपका इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये ध्यान रखना है, और इसका एक फॉर्मूला आप ये आर का इधर गुणा कर दें, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू आर भी बनती है। ये आपको आना है पूरी तरीके से। अब मेरी बात सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेट सपोज कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, द्रव्यमान m है, इस पे मैं इधर की साइड एक बल लगा रहा हूँ जो कि अप्लाइड फोर्स है। क्या है? अप्लाइड फोर्स। इस डायरेक्शन में ये आगे मोशन करेगा, ठीक है, क्योंकि इधर मैं बल लगा रहा हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब इस बॉडी का जो भार रहेगा, इस बॉडी का जो मास रहेगा, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और जो बॉडी का वेट लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, मतलब जो बॉडी का भार होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और वेट जो होता है टू एम जी होता है, भार कितना होगा एम जी। तो जितना भार नीचे की तरफ वस्तु का लगेगा उतना ही ये जो सरफेस है जिसपे वस्तु लगा रखी हुई है, ये सरफेस उतना ही क्या करेगी, यहाँ प्रतिक्रिया बल लगाएगी सेम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बताते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एम जी R के बराबर होता है, R जो होता है वो mg के बराबर होता है। कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, ये थोड़ा सा डीप में हो गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ से बातें क्या ध्यान रखनी है कि इसका और इसका अनुपात, यानी कि आप बात करें फ्रिक्शन फोर्स से किसका रेशो, नॉर्मल का रेशो, यानी कि F बटे में R, F में R, यही कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आती है कि अगर ये वस्तु पे मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया और ये m मास का ऑब्जेक्ट इधर की साइड मोशन स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसको हम k से बता देंगे, इसको हम लिखेंगे और इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि गतिक घर्षण बोलेंगे, ठीक है। इस केस में गतिक घर्षण कहा जाएगा फ्रिक्शन को, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे मैंने फोर्स को लगाया और ये मोशन स्टार्ट किया, तब उस कंडीशन में इस फ्रिक्शन फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, यानी कि स्थैतिक घर्षण
समझ आया? स्थैतिक घर्षण मैनेज कीजिएगा, है ना। तो आपको समझ में आया, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर फॉर्मूले की बात करें कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला यही बनता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ म्यू की जगह म्यू एस लिख दिया जाता है और एफ की जगह एफ एस आ जाता है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है और एफ की जगह एफ के बाय दिया जाता है, तो ऐसा भी लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ी सी डीप में चीजें हो गई, लेकिन आपको सारी याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जहां से। तो हमने क्या देखा, हमने अभी पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और कैसे हम कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपका आसान है, आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, है ना। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप ध्यान से देखिए कुछ फैक्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिससे सीधे सीधे प्रश्न कभी कभी बने हुए हैं, तो आप सीधे ध्यान रखिए। मशीनों में जो घर्षण के कारण होता है वो ऊर्जा का लॉस, फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है मशीनों के पुर्जों के बीच में, तो वहां पे एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, और टूट फूट होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। दो सतह के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर निर्भर नहीं करता है, उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति व वस्तु के भार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपको ध्यान रखना है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा है, दो सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे निर्भर नहीं करेगा, ये उनके किस पे निर्भर करता है, वेट पे निर्भर करता है, वस्तु के भार पे निर्भर करता है, और सरफेस की प्रकृति पे निर्भर करता है। यदि सरफेस क्या है, खुरदुरी है, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, सरफेस अगर चिकनी है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के वेट पे और सरफेस की प्रकृति पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, मैंने आपको बता ही दिया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। फिर बात करें कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मशीनों में बॉल, ठीक है, एक तो मशीनों में हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीस का भी यूज करते हैं, ऑयल या ग्रीस भी लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑयल या ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, बड़ा आसान है, सबको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बॉल बेयरिंग क्या करता है, तो बॉल बेयरिंग का मेन काम क्या है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में कन्वर्ट कर देता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, घर्षण सदैव सापेक्षिक गति का विरोध करता है। इसका मतलब यही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो वो घर्षण जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगला देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बलागुण की, यानी कि टॉर्क की, कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ एक एक्सटर्नल फोर्स, सुनिएगा ध्यान से, टॉर्क क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अराउंड घुमा देने के लिए सक्षम होता है। लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास m है, और इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जो कि f है, तो ये फोर्स टॉर्क कब कहलाएगा, जब ये पर्टिकुलर फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अलोंग ऐसे करके ऐसे घुमा देगा। तो अगर कोई फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अलोंग घुमा देता है, पूरा घुमाने के लिए सक्षम हो जाता है, तब हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्ण। आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे आपने लंबा सा एक ऐसा रोड लेके रखा है, एक रोड को आपने और बांध दिया, और इस पर मैंने एक एम मास का ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घुमा पा रहा है, पूरा घुमा देता है, ठीक है। ये एम मास का ऑब्जेक्ट ऐसे चक्कर लगा लेता है, ऐसे यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है,
यहाँ भी आ सकता है और ऐसे चक्कर लगा के वापस इस पॉइंट पर आ जाता है। तो ये जो फोर्स लगाऊंगा इसको मैं टॉर्क बोलता हूँ। जैसे मोटर वगैरह जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जनरेटर होती है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? टॉर्क वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि बलागुण का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फोर्स का, टॉर्क का आप एक्चुअल डेफिनेशन देखिए कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है टॉर्क का। तो अब मेरी बात को बहुत फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को ये टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु को जिस अक्ष के सापेक्ष घुमाया जा रहा है उससे लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? बलागुण बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, लेट सपोज कि ये एक आपकी एक्सिस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ फोर्स लग रहा है और ये इस ऑब्जेक्ट की इस एक्सिस से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, समझना ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो टॉर्क होगा वो टॉर्क को कैसे डिफाइन करूँगा कि जो टॉर्क होता है वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स और उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस एक्सिस से ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, या फिर फोर्स की बात करें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब ये जो फोर्स आपको दिख रहा है इसका और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? टॉर्क मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टॉर्क जो होता है फोर्स, एक तरह से क्या हो रहा है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप इसकी यूनिट भी नहीं कर सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आपको ध्यान रखना है जो टॉर्क की यूनिट होती है, टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्ण, तो जो बल आघूर्ण की यूनिट होती है वो कितनी होती है? न्यूटन मीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है बल आघूर्ण का, टॉर्क का, वो बनता है ML2। कैसे बना? तो न्यूटन का मतलब क्या होता है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? मास इंटू फोर्स की अगर बात करें तो न्यूटन होती है। न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ML2, है ना, ये क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का तो क्या हो गया? kg यानी कि m, और L2 t की पावर इनवर्स, है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ML की पावर t-2 आएगा, ये ML t-2 होता है, सॉरी ML t-2 होगा किसका? फोर्स का फॉर्मूला। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मीटर का और ऐड कर दूंगा तो मीटर के लिए लंबाई और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ML2 t-। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको क्या बताया है? डायमेंशनल फार्मूला बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग में, ये -2 होना चाहिए, ठीक है, ये आप सही कर लीजिए। टॉर्क का जो आपका फार्मूला होगा ये होगा ML2 t-2, ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। -2 यहाँ पे आएगा, +2 नहीं, है ना, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग में। तो डायमेंशनल फार्मूला भी आपको सीधे याद रखना है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बच रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। तो अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लग रहा है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट की एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या करता है? वो हमेशा ऑब्जेक्ट की सापेक्षी गति का विरोध करता है। दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करेगा? आपको तो सीधे याद रखना है कि मोशन का अपोज करता है, ठीक है, मोशन का अपोज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्या बोल के रखा हुआ है कि घर्षण बल जो होता है संपर्क में दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि दो अगर सरफेस है और दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, तो उन सरफेस की क्वालिटी पे या फिर उन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कौन? फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। सरफेस के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है? सरफेस अगर खुरदरी है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे से कितने बलपूर्वक दबते हैं। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, वेट यानी कि भार पे, वस्तु के भार पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करेगा, क्या ऑब्जेक्ट के एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है,
एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्थैतिक घर्षण क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है ना, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हो गए, तो ये दोनों पॉइंट एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब काम करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जब काम करता है, जब हम किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो मोशन में आता नहीं है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि स्थैतिक घर्षण बल काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो जब काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है मोशन में आ जाता है। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, तो अगर आपने फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आ गया तब आप क्या बोल सकते हैं कि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है, यानी कि मैंने आपको बताया स्थैतिक घर्षण बल सबसे अधिक होता है, उससे कम सर्पी घर्षण बल होता है, और सबसे कम क्या होता है लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। अब आगे अगर बात करें तो किसी भी सरफेस को अगर हम रुक्ष बना दें, रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा, है ना, रफ बना दें, तो किसी सरफेस को रफ बना दें तब हम उसके फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो सरफेस को रफ बना के फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा सकते हैं, और सरफेस को स्मूथ अगर बना दिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं। जूतों का जो तली रहता है, सोल रहता है, और वाहन टायर रहते हैं, उसमें जो खाचेदार डिज़ाइन बनाई जाती है वो डिज़ाइन के लिए नहीं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए आप ठीक से चल पाए। स्नेहक, स्नेहक को इंग्लिश में कहा जाता है लुब्रिकेंट। अब ये लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट का मतलब होता है ऑयल, ग्रीस, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ऑयल या ग्रीस लगाकर हम क्या करते हैं फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कई मशीन्स में ऐसा रहता है जहाँ पे हम बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं, एक्चुअल में बॉल बेयरिंग क्या करता है, ये स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और वो बहुत वैल्यू को कम कर देता है फ्रिक्शन की। तो बहुत सारी मशीन में हम बॉल बेयरिंग लगाते हैं, आप बॉल बेयरिंग को देख सकते हैं, एक्चुअल में मैंने फोटो डाला था, पता नहीं क्यों नहीं